ग्राम कुरुद वार्ड 21 के प्रतिष्ठित शुक्ला परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन आयोजन में कथावाचक पंडित रुद्र कुमार शर्मा जी के श्रीमुख से संगीतमय कथा सुनकर भक्तगण एवं श्रोतागण भाव विभोर हो रहे हैं। रविवार को इस आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। पूर्णतः संगीतमय वातावरण में भक्तगण झूम उठे और भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को सुन भक्तगण मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगे। पंडित रुद्र कुमार शर्मा ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करने से अंतरात्मा को अद्भुत प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है। आज भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन हुआ, इसमें नंद के आनंद भय होकर के उत्सव मनाया गया। वहाँ से लीला प्रारंभ हुई, माखन चोरी की कथा चली। भगवान ने माखन नहीं चुराया, भगवान ने गोपियों के मन को चुराया। जहाँ गोपियाँ प्रेम करती थी भगवान से और मन ही मन भगवान को मानती थी कि भगवान हमारे घर आए, तो उस मन को ही माखन कहा गया है और मन को चुराने के लिए भगवान स्वयं पहुँच गए। आज माखन चोरी की कथा, बाल लीलाओं की कथा का वर्णन किया गया है। आज के परिवेश में भक्त इन सब कथाओं को किस तरह से श्रवण कर रहे हैं, कितना अपने साथ उतार रहे हैं? जो भागवत की कथा श्रवण करके होली मना रहा है वो तो आनंद में है, नहीं तो आज के युग में आप देख ही रहे हैं न युवक किस गर्त में जा रहे हैं। तो उनको ये श्रवण करना चाहिए कि होली बात स्वीकार में है क्या। होली के महत्व को पहले जानना पड़ेगा, जब व्यक्ति और जीव होली के महत्व को समझेगा तब होली के आनंद को समझेगा। होली फूलों की, रंगों में आज बहुत आधुनिक युग आ गया है, केमिकल वगैरह आ रहे हैं, तो फूलों की होली खेलना कितना ज़रूरी है? होली रंगों की होली हम खेल रहे हैं, उससे केमिकल और केमिकल से अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ जब गुलाल बनता था तो वो टेसी के फूल से ही गुलाल बनता था और उस फूलों के गुलाल से ही होली खेली जाती थी। तो वही लेके हम आज गांव में आनंद मना रहे हैं, फूलों की होली भगवान कृष्ण के साथ खेली गई, आगे कल की चली चलेगी जिसमें भगवान के गोवर्धन धारण का कथा एवं विश्राम में रुक्मणी मंगल, भगवान कृष्ण रुक्मणी को अपना बनाएंगे, वरण करेंगे। तो शहरवासियों से एक अपील, कल विशेष दिन है, एक अपील कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। राम कुरुद भिलाई में यह आयोजन शुक्ला परिवार के द्वारा आयोजित, यह ऐसी ज्ञान गंगा है जिसमें सब आमंत्रित हैं, सब सादर आमंत्रित हैं, आए। और जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत कहाँ है काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, तो वो दो क्षण निकाल के भी हम अपना आनंद भगवान के साथ मना लें, तो यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आयोजन में उपस्थित भक्तगणों ने पूरे भक्तिभाव से कथा का श्रवण किया और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं सहित फूलों की होली खेलकर प्रकृति को बचाने एवं प्रकृति के महत्व को बताया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। और आंखों की बातें खामोश होती है, कोई जब पूछे प्रेम का मतलब।
कोई जब पूछे प्रेम का मतलब तो ऐ मेरे कन्हैया हमारी उंगली आपकी ओर होती है, हमारी उंगली आपकी ओर होती है। Oh,
गोकुल मोर गोकुल के गोकुल के गोकुल के राधा कन्हैया राधा कन्हैया पीछे मिल गए कन्हैया 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 लोलियो लपटा लोलियो लपटा छोटे से जाप कन्हैया Oh,
ग्राम कुरुद में चल रहा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ इस भागवत कथा का श्रवण कर अपना जीवन सफल कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।